नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं तमिलनाडु की नागरकोयल डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे जो स्टेशन का नाम है नागरकोयल और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है कन्याकुमारी हमें जाना पड़ेगा होटल और कैब ढूँढने के लिए गए हैं मेरे हस्बैंड आउटसाइड स्टेशन के पास यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है वो है नीलगिरी का है नीलगिरी जो तमिलनाडु का जो पहाड़ है तिलगिरी पहाड़ और बहुत सुंदर दिखने बहुत सुंदर व्यू है और स्टेशन भी बहुत क्लीन और काफ़ी शांत है ज़्यादा भीड़ नहीं है मॉर्निंग अभी आठ बज चुका है और हम अभी आ, जस्ट हम पहुँचे हैं और ट्रेन लेट था एक्चुअली मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो हम अभी वेट कर रहे हैं चेन्नई से अनंतपुरी ट्रेन उसमें हम लोग आए नागर कोयल स्टेशन और अनंतपुरी ट्रेन जो था वो इवनिंग में साढ़े छः बजे उसका टाइमिंग था स्टार्ट हुआ और वो मॉर्निंग में सेवन थर्टी को पहुंचना था मगर वो एट ओ क्लाक एट थर्टी शायद एट थर्टी हो चुका तो पहुंचा ये नागर कोयल और नागर कोयल जो है ये है कन्याकुमारी के पास वाला एक जगह जहाँ से ट्वेंटी किलोमीटर हमें जाना है मेन कन्याकुमारी होटल तो वहाँ पे हम लोगों को आ, जो स्टेशन के पास आ, स्टेशन स्टेशन से बाहर कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे कैब्स नहीं है तो ओनली ऑटो ट्रांसपोर्टेशन मिला तो ऑटो में ही सब लोग जा रहे थे और हम लोग भी एक ऑटो हायर किया और उसमें हम लोगों को फोर हंड्रेड रुपीज़ लगा तो फोर हंड्रेड रुपीज़ में हम लोग पहुंच गए होटल और होटल का नाम है टेम्पल टेम्पल सिटी होटल में हम लोग पहुंच गए सुबह और फ्रेश हो के फिर हम निकलने वाले हैं कहाँ पे तो सबसे पास था विवेकानंद रॉक तो ये वॉकिंग डिस्टेंस में ही है तो हम लोग थोड़ा फ़्रेश हो के वहीं पर चले गए आ, और बहुत धूप था तो आ, हमें वहाँ पे एक एंट्रेंस गेट में दे, हमने देखा कि सेवेंटी फाइव रुपीज़ में जनरल जो टिकट मिल रहा है आ, वो फेरी लेके जा रहा है विवेकानंद लॉक और उसके अलावा भी थ्री हंड्रेड रुपीज़ का एक, 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 एक स्पेशल फेरी आ, का भी अरेंजमेंट है जहाँ पे आप एक घंटा समुंदर के आ, पास मतलब समुंदर में आप घूम सकते हो और ये जो गेट है गेट के आसपास छोटा मोटा बाजार है वहाँ पे जो सी आ, से शेल्स का जो सामान है चीज़ें हैं वो सारे बिक रहे हैं और आ, जो छोटा छोटा भेंडर्स हैं चारों तरफ और हम लोग फेरी में बहुत मज़े आ, मज़े के और बहुत ही जल्दी जल्दी पहुंच गया विवेकानंद रॉक और इसमें ये बहुत साफ़ सुथरा जगह है बहुत ही अच्छा लगा मगर जो बात है जो फेरी के लिए हमें एक लॉन्ग क्यू में खड़ा रहना पड़ा ऑलमोस्ट वन एंड हाफ़ आवर या फिर वन एंड हाफ़ आवर यस तो ये फेरी स्टार्ट होता है एक्चुअली मॉर्निंग एट ओ से और ये चलता है फिर इवनिंग में फोर ओ क्लॉक तक क्योंकि कन्याकुमारी में सबसे 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 ज़्यादा अट्रैक्शन है ये विवेकानंद रॉक तो हमें यहाँ जाना ही था और यहाँ पे दो रॉक्स माने दो टेंपल है दो अलग अलग, अलग रॉक में तो एक जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसमें भी हम लोग पब्लिक अलाउड नहीं था तो दूसरे जो है ओनली विवेकानंद रॉक वहीं पे हम लोग गए थे और ये आप देख रहे हो ये बड़ा वाला जो फेरी है हमारे मेरे मैं शेयर कर रही हूँ इसमें लग्जरी जो टूर है वन आवर का वहाँ पे थ्री हंड्रेड रुपीज़ पर पर्सन में लोगों को लेके ले घुमाने के लिए जा रहे थे और ये जो सर तो इसमें हम लोग जो एक लाइफ जैकेट भी सबको पर पर्सन को दिया गया था और बोट थोड़ा थोड़ा हिल रहा था तो थो, थोड़ा थोड़ा मतलब डर किसी किसी को होता है ना जो जो कभी नहीं बोट में चढ़े होंगे क्योंकि ये जो समुंदर है एक समुंदर नहीं है यहाँ पे तीन तीन समुंदर का मेल हुआ है तो काफ़ी टर्बुलेंस है पानी में और यहाँ पे कौन कौन सा तीन तीन समुंदर है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है अरेबियन सी है और फिर है यहाँ पे इंडियन ओशन और हम लोग ऑलमोस्ट तो इसमें लगा है पंद्रह मिनट ज्यादा से ज्यादा तो पहुंच गए विवेकानंद रॉक बहुत सुंदर एक जगह है काफ़ी हवा है इतना तेज़ धूप के बावजूद हम लोग चप्पल उतारे काउंटर में चप्पल को जमा किए और फिर आराम से यहाँ पे जो पत्थर के ऊपर जो पैर रख के हम लोग खा मतलब खाली पैर में हम लोग जो वाक किए कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें और आ, इस ये रॉक के रॉक एक्चुअली एक बहुत बड़ा रॉक है इसको खुदाई करके इसमें इसमें ये टेम्पल बनाया हुआ है और अंदर भी इसके ऊपर भी और भी टेम्पल है और बहुत अच्छा लगता है आ, सब लोग अंदर जा रहे थे और आ, काफ़ी सारे फोटोज भी लिए जा रहे थे दो दो ब्लैक एलिफेंट का स्ट्रक्चर है स्टैचू है यहाँ पे बहुत सुंदर है बहुत सुंदर बिल्कुल रियल जैसा है और एंट्रेंस में ए, दो ती, तीन तीन ए, वाइट एलिफेंट का स्ट्रक्चर है छोटा छोटा बहुत सुंदर दिख दिखने में है सैंडस्टोन का ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे वाइट मार्किंग किया हुआ है शायद इसमें चलने से गर्मी कम लगेगी पता नहीं मुझे और चार ओ तरफ चार ओ तरफ ये ओशो समुंदर ही समुंदर एक तरफ कभी लग रहा है पानी का कलर है ग्रीन कभी लग रहा है ब्लूइश और स्काई बिल्कुल क्लियर वाइट क्लाउड और दूर से जो यहाँ पे लाइट हाउस दिख रहा है बहुत सुंदर लग रहा है व्यू हम लोग बोर्ड के अंदर कॉमन जनरल जो टिकट है उसी से हम लोग गए थे और ज, बिल्कुल लोकल बस में जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं ना वैसे ही बहुत मज़ा आ रहा था और ये लाइफ जैकेट्स का पता नहीं मुझे बहुत पुराना हो चुका है मगर हम लोग डाले हुए थे सब लोग क्योंकि ये डालने के लिए बोला गया था तो थोड़ा डाल के ही हम लोग बैठे थे और आ, अंदर आ, ऐसा नहीं है कुछ को कोई कोई खड़े भी स्टैंडिंग पैसेंजर्स भी थे और समुंदर आप देख रहे हो बाहर खिड़की से बाहर कितना मतलब इसमें ये बहुत अशांत है बहुत ही अशांत है इसमें बहुत आ, आ, जो ये जो बोट जो हमारा जो फेरी है वो बहुत हिल रहा था और मज़ा आ रहा था बहुत छोटा जर्नी का जो ड्यूरेशन है बहुत ही कम था का शायद थोड़ा और होता तो अच्छा ज़्यादा लगता मगर हम लोग बहुत टाइम लॉन्ग टाइम हम लोग ऊपर बैठे और छोटा छोटा फोटोज कुछ फोटोज़ लिए और लोगों को देखा बहुत सारे लोग थे यहाँ पे बहुत लोग लोग एंजॉय कर रहे थे फोटोज़ खींच रहे थे आ, और ये जो जगह है ये इंडिया के बिल्कुल साउदर्न मोस्टी है और यहाँ पे लोकल पीपल के पीपल तो है ही घूमने के लिए आए हैं और दूर दूर से नॉर्थ इंडिया से भी राजस्थान से भी काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हैं एक्चुअली uh, क्या है यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो नॉर्थ इंडिया के साथ यहाँ का जो uh, एक सिमिलैरिटी है खाना यहाँ पे uh, भीज खाना जो साउथ इंडिया का स्पेशल है भेज खाना ही uh, भेज खाना मिलता है सब जगह और uh, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं तो भेज uh, बहुत टेस्टफुल होता है और अच्छा मिलता है और uh, यहाँ पे uh, जो दे, आप देख रहे हैं Uh, uh, जो ओल्ड एल्डरली पीपल है जो जिनके पास जिनको जिनके जिनके लिए प्रॉब्लम है सीढ़ी चढ़ना उनके लिए भी अरेंजमेंट है व्हील चेयर्स का और स, सब कोऑपरेटिव है बहुत ही अच्छे हैं हम लोग ये सब जगह मतलब घूमे और बैठे जितना टाइम तक हम हमें अच्छा लगता लग रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं था कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि आपको अभी जाना है फेरी uh, में कोई मतलब ऐसा कोई कुछ से नहीं है कि आपको अभी अभी हम लोग बहुत टाइम रुके ऊपर और फिर धीरे धीरे नीचे आके अपने अपने जो जैक लाइफ जो जो दिए गए थे लाइफ जैकेट वही हम लोग गले में टांग के हम लोग फेरी में चढ़ के निकल आए आराम से और आ, उधर नारियल नारियल पानी बेच रहे थे बहुत यहाँ पे शॉप हो शॉप है आप नारियल पानी कहीं पे भी आपको मिल जाएगा और बहुत मीठा नारियल पानी था मगर कॉस्टली बहुत कॉस्टली कुछ कॉस्ट कम नहीं है इसमें पचास रुपया एक नारियल का और क्योंकि आज लंच नहीं करना था मुझे और इतना ज़्यादा खट्टा खा रही थी मुझे खट्टा और अच्छा नहीं लग रहा था तो आज नहीं करना है लंच मैं वही नारियल पानी से ही आज का पेट भर लिया मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय